वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनु जहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब किसकी बात होने वाली है यहाँ पे, छोटे से प्यारे से बर्ड की बात होने वाली है। कौन सा बर्ड है ये? सीगल है। अब सीगल कौन सी बर्ड होती है? आपने कई बार डिस्कवरी पे जब आप ऐसे शो देखते हो कि कभी भी समुद्र दिखाते हैं ना, तो हमेशा एक वाइट कलर की बर्ड दिखाते गाइस। या फिर कभी भी आपने समुद्र के किनारे वाली अगर कोई फोटोज या वीडियोज देखी होंगी, वहाँ एक बर्ड दिखती है वाइट कलर की, ऐसी सी ये होती है गाइस सीगल। ठीक है, आपने एक पिक्चर देखी है, वो फाइंडिंग नीमो पिक्चर थी जब मैं छोटी थी, तो बहुत बार देखी है मैंने वो पिक्चर। अब भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है वो मेरी। फाइंडिंग नीमो में भी सीगल आती है वो, और वहाँ पे आपको याद होगा नीमो का एग्जाम्पल में क्यों दे रही हूँ। आपको याद है नीमो शुरू में तैरने से डरता था क्योंकि उसका एक पर छोटा था, बट बाद में वो अच्छे तरीके से तैरने लगता है, ही वॉज वेरी ओके विद एवरीथिंग। तो यही चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि देखो ये एक इसका जो मेन करेक्टर है ये छोटू सा सीगल, इसको ना डर लग रहा होता है। इसके जो छोटे भाई बहन है वो भी उड़ के चले गए होते हैं, सबको उड़ना आ जाता है इसकी फैमिली में, छोटे छोटे भाई बहन भी इससे उड़ जाते हैं। ये बेचारा बहुत डरता रहता है। ये ऐसे इसकी चट्टान थी उस पर ये रहता था, ये चट्टान के किनारे तक आता था कि भाई मैं उड़ूंगा, बट ना जैसे ही चट्टान के किनारे पे आता था नीचे समुद्र को देखता था, इसको डर लग जाता था और भाग के वापस चला जाता था अपने घर के अंदर। बहुत डर लग रहा था इसे, कोशिश करना चाहता था ये उड़ने की बट डर लगता था। तो भैया ऐसी जरूरत थी माउंटेन ड्यू की कि डर के आगे जीत अपना कर ले, बट माउंटेन ड्यू इसे देने वाला कोई था नहीं। तो इसकी हेल्प कौन करता है, इसको डर के आगे जीत कौन दिलाता है? इसकी मम्मी दिलाती है। तो अभी मैं इस चैप्टर में आपको बताती हूँ कि सीगल की मम्मी क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है इसके मन में से वो डर निकालने के लिए, और फाइनली हमारा सीगल बेहतरीन वे में उड़ना स्टार्ट कर देता है। ये वीडियो देख लो ऐसे उड़ता है ये, मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी रील अपलोड करी थी, जो आजकल वो सॉन्ग बहुत चल रहा है ना उसके साथ में, कि हाँ वही मजे से हमारा सीगल उड़ते हुए जा रहा है। तो फाइनली सीगल उड़ना शुरू कर देता है, डरना मत कि हाँ बेचारा उड़नी पड़ेगा। अब ये देखेंगे उड़ना शुरू कैसे करता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर छोटू सीगल की पहली उड़ान। ठीक है, तो भाई क्या होता है, हमारा जो सीगल है वो अपनी लेज पे होता है। लेज क्या होती है ये देख लो, ये चट्टान है ना, ये चट्टान के किनारे को लेज बोला जाता है। छोटू सीगल अपनी लेज पे था, इसके जो भाई बहन थे वो तो उड़ के चले गए थे, उनको उड़ना आ गया था। छोटू सीगल भी कोशिश करता है, ये है ना भागता भागता ऐसे लेज के किनारे तक आता है, बट कोशिश ऐसे फैलैप करते हैं अपने विंग्स को, बट जैसे ही देखता है सी तो इसको बहुत मॉन्स्ट्रस टेरर आ जाता है, बड़ा अजीब सा डर इसके मन में फट जाता है वो ग्रीन कलर के समुद्र को देख के, और डर के मारे फिर भाग के वापस अपने घर में छुप जाता है। इसका घर कैसा था, वो पत्थरों के घर बने होते ना, वो पेंगुइन्स के आपने देखे वो पत्थर बना होते, उसके नीचे अंदर जाके छुप जाते हैं, वो वैसे ही हमारा सीगल कोशिश करता है उड़ने की बट डर के मारे वापस आके अपना छुप जाता है। इनफैक्ट गाइज इसके जो छोटे भाई बहन थे, इससे जो एक छोटी बहन थी एक छोटा भाई था, वो भी उड़ना सीख जाते हैं, बट ये बेचारा डर के मारे उड़ना सीख नहीं पा रहा था। इसके मम्मी पापा इसको आके डांट लगाते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं बेटा तुझे उड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला, डांट पीट के उसको निकल जाते हैं। ठीक है, बट ये बेचारा फिर भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। पूरा दिन निकल जाता है ये अपनी उस लेज पे होता है, और इसके घर वाले पूरा अपनी अच्छे तरीके से उड़ान कर रहे होते हैं, वो घूम रहे हैं खाना वाना खा रहे हैं, और ये सीगल को वो ना अकेला छोड़ देते हैं। वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है एक तरीके की कि अगर लाके खाना दे देंगे तो ट्राई नहीं करेगा। तो सीगल बिल्कुल अकेला यहाँ लेज पे होता है अपनी, ये देखता है अपने लेज पे से बैठ के कि मेरे छोटे भाई बहन मम्मी पापा सब लोग उड़ रहे हैं। इसका जो बड़ा वाला भाई था उसने पहली मछली पकड़ी थी अपनी हेरिंग, वो भी उसको खा रहा होता है, ये सब उनको देख रहा होता है, और मन मन इसका भी कर रहा होता है कि काश मैं उड़ जाऊँ, बट डर के मारे ये वो कोशिश नहीं कर पा रहा होता। पूरा दिन निकल जाता है, 24 आवर हमारा सीगल अकेले अपने लेज पे था, सामने वाले प्लेट्यू पे इसके मम्मी पापा भाई बहन थे, उधर से वो उसे काँ काँ करके चिढ़ा भी देते कॉवर्ड आइस के लिए कि डरपोक उड़ जा डरपोक उड़ जा, बट बेचारा नहीं कुछ कर पा रहा था। तो भाई अब ऐसी चीज़ में कौन हेल्प करने आएगा, मम्मी आएंगी ना, आती है इसकी मम्मी, पे भी पता चलेगा आपको। तो हमारा सीगल अपने लेज पे बैठा हुआ था, पूरा दिन निकल गया, रात होने वाली थी, सूरज ढल रहा था, इसे ना भूख लगती है बहुत जोर की, इसे भूख लग रही होती, तो इसे लगता है अब क्या करूँ भैया, सीधा जाके कहूँगा खाना दे दो तो काम चलने नहीं वाला, थोड़ी सिंपथी से काम चलाते हैं। तो सीगल क्या करते हैं, अपनी जो वो पत्थरों का घर था ना उसका, उससे बाहर आता है लेज के किनारे पे, और आपने बर्ड्स को सोते हुए देखा है, अगर आपने पेट करा होगा किसी बर्ड को तो आपने देखा होगा कि बर्ड कैसे सोते हैं, एक पैर ऊपर कर लेती हैं और एक हल्की सी ऐसे एक पैर ऊपर करके सोते हैं। तो सीगल भी हमारा ऐसे ही करता है, एक पैर अपना ऊपर कर लेता है, ठीक है, और एक ऐसी आँख खुली होकर ऐसा यूँ अकेला लेज पे सोने की एक्टिंग करता है कि बाई चांस मेरे पे तरस खा के मेरे घर वाले मुझे कुछ खाने को दे दे, सिंपथी कार्ड प्ले कर रहा था हमारा सीगल। तो कोई इस पे ध्यान नहीं देता है, भाई बहन अपना सो रहे थे इसके सामने वाले प्लेट्यू पे, पापा इसके अपने पर ठीक कर रहे थे, बट सिर्फ और सिर्फ कौन ध्यान देता है, इसकी मदर।
ठीक है, ये देखते हैं अपनी मदर को। इसकी मदर वाइट कलर की बहुत सुंदर सी एक सीगल थी। वो क्या कर रही थी, वो समय पे ना वो खा रही थी, फिश खा रही थी एक, और अपनी जो चोंच थी उनकी, जो उनकी बीक थी, उसको एक पत्थर पे मार के उस पर उसको शार्प कर रही थी। जैसे चाकू को हम धार लगवाते हैं ना, वैसे ही इसकी मदर बीक में अपनी ऐसे ही पत्थर पर मार रही थी और एक फ़िश को खा रही थी। अब खाना देख के हमारा सीगल पागल हो जाता है, इसे भूख लग रही थी, तो ये अपनी मदर को आवाज़ लगाता है, गा 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 कि मुझे खाना दे दो। उधर से इसकी मम्मी इसको आवाज़ लगाती हैं, कुछ गा कोला ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये बड़ा आवाज़ लगाता है, खाना दे दो मेरे को, खाना दे दो। तो फाइनली क्या होता है, इसकी मदर डिसाइड करती है इसको खाना देने के लिए। इसकी मदर अपनी बीक में फ़िश लेके उड़ के इसके सामने आती है। अब ये वाला सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो। सीगल सामने वाले जो चट्टान थी, इधर वाले प्लेट्यू पे इसकी मदर थी, उनको आवाज़ लगा के कह रहा होता मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। और मदर क्या करती है, खाना लेके उड़ के आ जाती है। ठीक है, इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती है। जैसे इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती है, उसमें ये बड़ा खुश ऐसा टैप टैप कर रहा होता है, ऐसे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि मुझे खाना मिलने वाला है, मुझे खाना मिलने वाला है। बट इसी खाने लाने में इसकी मदर की एक स्ट्रैटेजी थी बहुत ही बेहतरीन वाली। अब क्या होता है, इसकी मदर उड़ के आती है, उनके जो है बीक में खाना होता है, फिश होती है। बट ये खाना लेकर आती है तो इसको लाके ना देती नहीं है, यहाँ हवा में बीच में इसकी मदर जो है वो रुक जाती है। जैसे कि सीगल यहाँ खड़ा है, सामने इसकी मदर खाना लेके आने वाली है, तो इसकी मदर हवा में ऐसे ही फ्लाई करती है, ऐसे ही रुक जाती है बिल्कुल सामने। सीगल के पास चट्टान तक खाना लेके नहीं आती। बट ये सीगल खाने को देख के एकदम पागल हो जाता है, कि वो मैडन्ड विद हंगर, कि ये खाना खाने के लिए इस चट्टान से छलांग लगा देता है अपनी मदर के पास कि मैं खाना खा लूँगा। और जैसे ही ये छलांग लगाता है तो इसे दिखता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, नीचे पूरा का पूरा ओशन, ग्रीन डार्क ग्रीन ओशन इसके नीचे। और जैसे ही ये देखता है कि अरे मैंने तो छलांग मार लिया मैंने, तो ये डर जाता है। एक मॉन्स्ट्रस ट्रेलर इसे एक सेकंड के लिए इसके मन में आता है। बट तभी क्या होता है, क्योंकि ये बर्ड है तो ये गिरने नहीं आता। जैसे टॉम एंड जेरी में दिखाते ना, टॉम आगे निकल जाता है लेट से गिर जाता है, बट ये एक सीगल है। तो ये क्या होता है, जैसे ही इसको डर लगता है, एक मोमेंट को इसको डर लगता है और इसके यूँ पर खुल जाते हैं और ये अपने परों को फ्लैप करना शुरू कर देता है सीगल, एंड ये फाइनली उड़ने लगता है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इस सिनेरियो को। क्या हुआ, सीगल परेशान होकर अपनी मदर से खाना मांगता है, तो इसकी मदर खाना लेके उड़ के आती है। बट उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो यहाँ चट्टान पे हमारा सीगल है तो वो चट्टान तक नहीं आती है, चट्टान से थोड़ी पीछे यहाँ उड़ने लग जाती है। हवा में उसकी मदर है और वो खाने को देख के पागल होकर छलांग मार देता है। इतना भूखा होता है कि छलांग मार देता है और नीचे सी होती है। सी को देख के एक मिनट तो डरता है, बट जैसे ही कि वो बर्ड है नेचुरली उसको उड़ना आता है, तो वैसे अपने फ्लैप करता है परों को और डर के आगे जीत वो हासिल कर लेता है और वो उड़ना शुरू कर देता है। अब भैया सीगल उड़ गया, इतना खुश हो जाता है, फिर ऐसे यूँ पूरा का पूरा ऐसे पूरे आसमान में घूमता है। देखते देखते उसके पापा भी आ जाते हैं, उसके सारे भाई बहन हूटिंग कर रहे होते हैं, कह कह के खुश हो रहे हैं कि भैया हमारा भाई उड़ गया, छोटा भाई हमारा, सारे के सारे उसके आसपास आके चक्कर लगाने लगते हैं। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि भाई फाइनली हमारा सीगल उड़ गया है। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स हैं और जो उसके छोटे भाई बहन है, अब जाके ना सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस जो जितने भी देखो ये बर्ड्स होती है ना, ये सी पे फ्लोट करती है। तो अभी सीगल मजे से उड़ान कर लिया ऐसे, अभी पूरा फर्स्ट फ्लाइट इसके बहुत बेहतरीन उड़ा हमारा सीगल भाई। ठीक है, अब इसके जो भाई बहन है, मम्मी पापा है, वो नीचे आके ना ये जो है फ्लोर पे ना ओशन के फ्लोर पे बैठ जाते हैं और इसको वाले लगाते हैं, आ जा आ जा, क्योंकि उन्हें पता था ना बेचारा दो दिन से भूखा है, इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसको वाले लगा के कहते हैं जल्दी आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा। अब जो है हमारा सीगल जो है जैसे नीचे आता होता है, लैंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसे फिर से डर लगता है। अब इसे क्या डर लगता है, इसे लगता है कि अरे मैं इसके ऊपर अगर बैठूंगा इस पानी पे तो मैं डूब जाऊंगा। तो ये नीचे आके जैसे ही बैठता है तो इसके जो पैर हैं ओशन के फ्लोर पे आता है, इनकी सी पे आता है, समुद्र पे आके बैठते हैं, तो इसके पैर डूबते हैं। जैसे ही इसके पैर डूबने लगते हैं पानी में, ये डर जाता है, जैसे अपने लिविंग फ्लैग पकड़ने लगता है। बट इसका डर वो बस एक मिनी सेकंड का होता है, जैसे ही इसकी बॉडी टच होती है वो सी को, समुद्र के पानी को, तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इट्स नेचुरल कि उनकी बॉडी फ्लोट करेगी। बट जब उसके पैर डूबते हैं तो डर जाता है, बट फाइनली वो फ्लोट करने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ सारे के सारे। फिर उसका डर निकल जाता है, वो अपना फ्लोट कर रहा होता है उस पानी के ऊपर, और फिर उसके घर वाले जो उसे डॉग फिश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको खिलाते हैं, क्योंकि छोटा भाई उनका सुबह से भूखा था। ठीक है, सुबह से नहीं, एक दिन हो गया था उसे कुछ भी खाए हुए, तो वो छोटे छोटे डॉग फिश के टुकड़े उसको स्क्रैप्स के रखा है तोड़ तोड़ के उसको खिलाते हैं। पूरी फैमिली की हो जाती है हैप्पी वाली एंडिंग कि भैया एक बच्चा जिसको उड़ना नहीं आता था अब उसको भी उड़ना आ गया है। तो विद दिस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल चैप्टर था। अब भैया ऐसा चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया गया क्लास 10th की इंग्लिश में,
इसका मीनिंग आप समझो, इसका मीनिंग ये है कि भाई जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसके आगे हमें उसको ओवरकम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हम जब हम छोटे होते थे साइकिल चलाने से, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे जब बिना सपोर्टर के साइकिल चलाने से बहुत डर लगता था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक दिन सपोर्टर हटा दिए गए थे, मैं साइकिल लेकर चली गई थी, मुझे पता नहीं चला था। और ये फेक बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें साइकिलिंग करते हुए डर लगता है, कई बार पेरेंट्स सपोर्टर हटा देते बच्चों को पता ही नहीं चलता। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को स्विमिंग करने से डर लगता है बट इनिशियली जब वो सीखते हैं धीरे धीरे उन्हें आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को कोशिश करेंगे डर को बाहर निकाल के तो हम उस पर जीत पा सकते हैं। जैसे कि हम सारे के सारे स्टूडेंट, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे क्लास 10 में आते, दे थिंक अरे हमारी कहाँ से परसेंटेज आ जाएगी, हमारे तो आज तक मार्क्स नहीं आए, डर बन जाता है मन में। बट अगर आप उस डर को बाहर निकाल दोगे और साथ में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे सीगल ने क्या करा, सीगल की मदर ने उसका डर बाहर निकाल दिया, वो कूद के बाहर आ गया। अब क्या है, अब तो सिचुएशन रहती है दैट यू हैव टू डू समथिंग, तो वो फ्लैप करते हैं और वो उड़ जाता है। ऐसे ही ये चैप्टर हमें ये सीख दे रहा है कि अपने मन के डरों को हमें बाहर निकाल के एक एक्शन लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, वी विल बी सक्सेसफुल। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। छोटू सीकल अकेले अपने लेज पे था, उसके भाई बहन भी उड़ गए थे, वो नहीं उड़ा था, तो सब उसको डांटते हैं कि आपको उड़ना पड़ेगा वरना आप खाना कैसे खाओगे। वो ट्राई करता है बट जो सी था उसको देख के, लार्ज सी को देख के उसे डर लग जाता था और वो वापस चला जाता था। एक दिन क्या होता है, वो अपनी मदर को देख के उनसे खाना मांगता है, तो उनकी मदर एक ट्रिक लेती हैं, वो खाना लेके उसके पास आती है बट हवा में बीच में रुक जाती है। खाने को देखकर सीगल, क्योंकि वो एक दिन से भूखा था, वो छलांग मारता है और फाइनली जो छलांग मारने से वो डर रहा था, जो स्टेप वो नहीं ले रहा था, अब वो स्टेप वो उस वजह से ले लेता है। ठीक है, तो जैसे ही वो हवा में आता है तो उसे डर लगता है कि मैं गिर जाऊँगा, बट जैसे कि वो बर्ड है, ही स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ान अपनी भर लेता है। पूरी फैमिली आके उसके आसपास घूमती है। फिर जब वो नीचे ओशन फ्लोर पे आते हैं तो भी उसको डर लगता है, पर जो कि वो बर्ड है तो वो फ्लोट करता है और फाइनली खाना खा के वो जाती है। चैप्टर की हैप्पी एंडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अगले चैप्टर को ऐसी डिटेल वे में और बहुत ही वन शॉट वे में हम पढ़ लेंगे। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट टू, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये चैप्टर गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है और पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है ये ब्लैक एरोप्लेन। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पायलट है वो अपनी स्टोरी पूरी नरेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट, और पायलट बताते हैं वो हमारे को, जो नरेटर है वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था कहाँ, इंग्लैंड जा रहा था मैं फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस में वो छुट्टियां बिताने आए हुए थे, इंग्लैंड उनका घर था, तो वो अपना प्लेन लेके, प्लेन का नाम था डेकोटा DS-08, एग्जाम में आ सकता है। वो कहते हैं मैं अपना प्लेन लेके ना फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड अपने घर पे, मैं बड़ा खुश था कि मेरी छुट्टियां काफ़ी अच्छी बीती थी और घर जाके मुझे फैमिली से मिलना था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, तो बड़ा खुश था मैं अपना प्लेन लेके जा रहा था। जाते जाते क्या होता है, प्लेन में वैसे तो बड़ा अच्छा मौसम हो रखा होता है बट जैसे ही वो पेरिस से काफ़ी आगे निकल गए होते हैं तो उनके सामने बादलों वाले बहुत तेज़ थंडरस क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है, तूफानी बादल उनके सामने आ जाते हैं। अब आप सोचो ऐसे सिचुएशन में कोई नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा ना। अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हो, सामने इतना तूफान आ जाए, बारिश होने लग जाए, तो आप कहोगे भैया 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, बट हमारे जो ऑथर थे वो क्या करते हैं, वो अपना उस प्लेन को लेकर उस घने बादल वाले तूफान में एंटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी थी अपने घर जाने की और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की। अब जैसे ही वो तूफान में गए तो ऑब्वियसली उनको बहुत स्ट्रगल सहना पड़ा, कंपास खराब हो गया, रेडियो डेड हो गया, तो उस तूफान से बाहर निकालने के लिए गाइस उनको कोई हेल्प करने के लिए आता है। और इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कौन आता है हमारे ऑथर को उस तूफान से बाहर निकालने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो चैप्टर ऐसे ही शुरू होता है, हमारे ऑथर बताते हैं कि भैया रात का समय हो रहा था, चांद निकल रखा था, बिल्कुल एक भी बादल नहीं था आसमान के अंदर, और मैं अपना प्लेन लेके जा रहा था अपनी घर की तरफ। घर कहाँ है उनका, इंग्लैंड में है। वो अभी कहाँ थे, फ्रांस में थे, बहुत खुश थे, छुट्टियां मनाई थी उन्होंने फ्रांस में, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि घर जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश मैन थे ना वो, तो बड़े खुश थे, घर जाके खाना वाना खाऊंगा मैं, अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब 1:30 बज रहे थे रात के, पूरा टिमटिमा रही थी नीचे स्ट्रीट लाइट है, ऊपर उनका प्लेन है, सारे लोग सो रहे हैं अपने घरों में, लाइटें स्ट्रीट की चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा था उस समय में फ्रांस। ठीक है, वो कहते हैं मैंने सोचा जरा मैं एक बार जो कंट्रोल रूम है उसको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करते हैं, कहते हैं हेलो 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 पेरिस कंट्रोल रूम, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आई एम डेकोटा DS-08 और मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड की तरफ। तो उनको नीचे से रिप्लाई आ जाता है कि येस सर वी कैन हियर यू, कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है, हाँ जी सर हम आपको सुन सकते हैं, आप अपने DS-08 को कहाँ पर मोड़ लीजिए, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। तो एक्चुअली में उन्होंने नीचे कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट डायरेक्शन लेने के लिए करा था, तो उनको नीचे से रिप्लाई आ जाता है 12 डिग्री वेस्ट में आप अपने प्लेन को मोड़ लीजिए। उनका प्लेन थोड़ा पुराना सा था, ओल्ड सा था, ठीक है, ऐसा हाईटेक सा नहीं था, पुराना सा प्लेन था, फोटो देख सकते हो आप, ओल्ड डेकेटर DS-088। ठीक है, अब वो अपने प्लेन को जैसे ही मोड़ लेते हैं, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, भैया ठीक है भाई अब तो मैं अपना घर पहुंचने वाला हूँ। अब प्लेन को मोड़ते समय वो पहले गाइस अपना मैप चेक करते हैं,
ठीक है, फिर वो अपना कंपास चेक करते हैं बिल्कुल ठीक था, और अपना लास्ट फ्यूल टैंक वो ऑन कर लेते हैं। पहुंचने वाले थे घर, बहुत दूर नहीं था, लास्ट फ्यूल टैंक वो अपना ऑन कर लेते हैं और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ अपने प्लेन को मोड़ लेते हैं। बहुत खुश होते हैं, घर जाके मैं खाना खाऊंगा, अच्छा। अब वो काफ़ी देर अपना प्लेन चला रहे होते हैं, अब जो पेरिस था उनके 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, और तभी क्या होता है, सडनली पूरे घने बादल उनके सामने आ जाते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ फोटो में, घने घने बादल, स्टॉर्मी क्लाउड उनके सामने आ जाते हैं। अब वो अपने फ्यूल को चेक करते हैं, उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो उन बादलों के ऊपर से जाएं, ना ही इतना फ्यूल उनके पास था, लास्ट फ्यूल टैंक था ना उनका, ना ही उनके पास इतना फ्यूल था कि वो बादलों के नीचे से जा सकते थे। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो भैया वो चल जाए पेरिस वापस मोड़ के अपना प्लेन, या वो उन घने बादलों के अंदर एंटर कर जाए। अब आप बताओ उन्हें क्या करना चाहिए था, वो इंसान तो भैया नॉर्मल यही कहेगा कि पीछे चले जाओ, क्यों जाना है प्लेन को लेके पुराने से ओल्ड से बादलों के अंदर, बट नहीं, ये तो भैया माउंटेन ड्यूटी के आए थे, इनको तो रिस्क लेना था, तो ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं बादलों वाले स्टॉर्म क्लाउड के अंदर। रीज़न क्या था इनका, क्यों जाते, क्योंकि इन्हें वो ब्रेकफास्ट खाना था इंग्लिश वाला, अपनी फैमिली से मिलना था, तो ये कहते हैं डर के आगे जीते, भैया मैं तो जा रहा हूँ स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर भी, कौन जा रहा है पीछे, ये अपना प्लेन लेके भाई साहब हमारे निकल जाते हैं स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर। अब चले तो गए प्लेन के अंदर जो है स्टॉर्मी क्लाउड्स में, जैसे ही अंदर जाते हैं बिल्कुल काला घना अंधेरा उस प्लेन में, अपने ये पूरा घना अंधेरा था उस तूफान के अंदर। जैसे ही वो तूफान में एंटर करते हैं, इनका कंपास ऐसे गोल 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 घूमना शुरू हो जाता है। काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा ये चीज़, पूरा ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, भैया अब गोल 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 कंपास घूम रहा है, रेडियो जो है ये कोशिश करते हैं फिर कॉन्टैक्ट करने की नीचे कंट्रोल रूम को, अब ये वाले लगाते हैं पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, अब की बार कोई जवाब नहीं आता नीचे से, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, रेडियो इनका डेड हो जाता है और फ्यूल टैंक इनका आखिरी था। ये बहुत घबरा जाते हैं, भाई अब मैं क्या करूँ, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स इनके जो है प्लेन के वो डेड हो जाते हैं। He was very scared कि भैया अब मुझे क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम से भी इनको कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। तभी क्या होता है, आसमान में उनके सामने उस काले घने अंधेरे में इनको एक काले रंग का एरोप्लेन दिखाई देता है। उस एरोप्लेन के ऊपर कोई लाइटें नहीं लगी हुई थी, पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा होगा इन्हें, ब्लैक एरोप्लेन काले अंधेरे में, बट हाँ इन्हें दिखाई देता है, कोई लाइट नहीं थी उस एरोप्लेन के ऊपर, काले रंग की एक शेडो की तरीके से उन्हें एरोप्लेन दिखाई देता है, और उसमें बैठा हुआ पायलट हमारे नरेटर को, डेकोटा DI-088 के पायलट को ऐसे हाई करता है और इशारा करता है, आजा आजा मेरे पीछे आजा। तो हमारे ऑथर बताते हैं कि भाई मैंने क्या करा, मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मानते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे तक उस घने अंधेरे में उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे हमारे पायलट अपना प्लेन लेके, जैसे हम कहते हैं ना भाई तुझे रास्ता नहीं पता, मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ले मैं ले जाऊँगा, वैसे ही हमारे जो पायलट थे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे प्लेन लेके आधे घंटे तक चल रहे होते हैं। अब आधा घंटा हो गया था उस घने अंधेरे के अंदर, स्टॉर्म्स के अंदर, क्लाउड के अंदर, कि वो देखते हैं कि अरे मेरा जो फ्यूल टैंक है वो ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट ही वो अपने प्लेन को और चला सकते थे, उनका फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। वो डर जाते हैं फिर से कि भाई अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो मैं क्रैश कर जाऊँगा। तभी क्या होता है, सारा का सारा घना अंधेरा छट जाता है और उनके सामने दो स्ट्रिप्स आ जाती है। क्या होती है वो, उनके सामने एयरवे जहाँ पे वो लैंड करते हैं ना प्लेन्स को, रनवे आ जाता है उनके सामने, दो ऐसी उनको स्ट्रिप्स दिखती हैं लाइट की, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई अब मेरे को सही है भैया, अब लैंड कर लूँगा मैं, बच गया। वो अपने आसपास में देखते हैं कि भाई ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया मेरे का, जो मेरे को हेल्प करने के लिए, मेरे को जिसने क्लाउड से निकाला है। अब उनको जैसे ही वो घने अंधेरे से बाहर निकलते हैं, उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन ना ही उसका पायलट कोई भी नहीं दिखता है, तो वो अपने प्लेन को लैंड कराते हैं, उतर जाते हैं। यहाँ आप देख लो मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, वो उतर जाते हैं, ठीक है, अपने प्लेन को लैंड करा लेते हैं, जल्दी से अपने उस डेकोटा DS से बाहर निकलते हैं और देखते हैं आसमान में कहाँ है भैया ब्लैक एरोप्लेन, में मेरी हेल्प कर रहा था, उन्हें ब्लैक एरोप्लेन नहीं मिलता। देन वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो वो कंट्रोल रूम था उसके अंदर जाते हैं पूछने के लिए कि कौन सी लोकेशन है, मैं कहाँ पे लैंड कराऊँ, और थैंक यू करने के लिए उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को। उस कंट्रोल रूम में जो लेडी थी वो उसको जाके बताते हैं कि मैडम बताइए कौन था मेरे साथ में ऊपर जिसने मेरी हेल्प करी है, तो वो लेडी पता है आपको उसको क्या जवाब देती है, वो लेडी कहती है नहीं सर कोई प्लेन नहीं था हमारे रडार पे, तो आज आपके अलावा कोई प्लेन ही नहीं था। तो आप सोचो भैया कौन आया था, हमारे नरेटर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में पड़ जाते हैं, भाई कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में जिसने मेरी हेल्प करी और मुझे स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकाला, और विद दिस आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कौन होगा उस ब्लैक एरोप्लेन में जिसने हमारे ऑथर को उस स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकाला था, एनी आइडियाज एनी गेसेस बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो मैं चलती हूँ, विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या हुआ भाई, सिंपल चैप्टर है, ऑथर को खाना था ब्रेकफास्ट, स्टॉर्म्स क्लाउड के अंदर ले जाते हैं वो अपने प्लेन को, वहाँ पर जाके कंपास खराब डेड, तो वहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन आके उन्हें उस स्टॉर्म से बाहर निकाल देता है।
जब फ्यूल एंड होने वाला था तो वैसे ही रनवे आ जाता है, वो अपने प्लेन को लैंड कराते हैं। लैंड कराने के बाद वो ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढते हैं तो वो कहीं मिलता नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम में जाके पूछते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन कौन था, कौन मेरी हेल्प करा था। तो उनको एक आश्चर्य वाला जवाब मिलता है कि क्या सर, आपके अलावा तो कोई प्लेन रडार पे था नहीं, आप अकेले ही ऊपर स्टॉर्म में घूम रहे थे। तो हमारे ऑथर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जिसने हाई करके मेरी इतनी बड़ी मदद करी, मेरे को जो है स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकाला। और चैप्टर हो गया है एंड, मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, ये एक ही स्लाइड में देखो, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। ये नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी और कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो कॉमेंट सेक्शन में। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। प्लेलिस्ट गिवन है गोविंद साथ सरिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।